शाह और अमित शाह जो भी हैं, वो कहते हैं कि हम एक इंच भी नहीं हटेंगे। हम तो बोलते हैं कि हम जीरो इंच भी नहीं हटेंगे। आप बताइए कि एनआरसी और एनपीआर जो निकाल के इतने बच्चों को परेशान कर रहे हैं और आदमियों को, ये क्या है? और इसमें सिर्फ गरीब पिसेगा जी, है ना? और अमीर लोग क्या करेगा? पैसा लेके सब चला जाएगा, अपना एनआरसी अपना खाता बना लेगा, और इसमें सब गरीब। अब आदमी कहीं पे अगर सैलाब आता है तो अपना कर्जा संभालेगा क्या? अपना अपना ख्याल करेगा, ये बताइए। मेरा एक और सवाल है कि अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो कानून है नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता छीनने के लिए, फिर आपको दिक्कत क्या है? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों के लिए ही डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? हाँ, मतलब आप इसमें गरीब लोग पिस रहे हैं। असम में जब एनआरसी हुई लागू, जिसमें 19 लाख में 15 लाख मतलब 14 लाख हिंदू है और 5 लाख मुसलमान है, 5 लाख मुसलमान है, तो इसमें हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, लेकिन मुसलमान नहीं मिलेगी, क्या यही डिस्क्रिमिनेशन है? सरकार की नागरिकता होता है हमारे लेकिन आप लोग क्यों नहीं बोलना? इनकलाब जिंदाबाद।